स्वागत करती हूँ आपको क्रेजी किचन में। आज मैं बनाने जा रही हूँ टर्किश ब्रेड, इसे पीटा ब्रेड भी कहा जाता है। ये मैं आज आपको ईस्ट के साथ बना के दिखाऊंगी, लेकिन बता दूंगी कि अगर आप ईस्ट नहीं यूज करना चाहते हैं तो इसके बदले में आप क्या यूज कर सकते हैं। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। टर्किश ब्रेड बनाने के लिए हमें इन सारे चीजों की जरूरत है। ये है 2 कप मैदा, 1/2 कप गरम दूध, दूध हल्का गरम है, 1/2 कप गरम पानी, पानी भी हल्का गरम है, 1 टेबलस्पून इंस्टेंट एक्टिव ईस्ट, 1 टेबलस्पून शुगर, 1/4 टेबलस्पून नमक, 2 टेबलस्पून तेल। अगर आप ईस्ट यूज़ नहीं करना चाहते हैं तो आप पानी के बदले रूम टेम्परेचर में दही लीजिए और ईस्ट के बदले 1/2 टेबलस्पून बेकिंग सोडा, 1/2 टेबलस्पून बेकिंग पाउडर यूज़ करिए। सबसे पहले हम डो बना के तैयार कर लेते हैं। मैंने यहाँ पे एक बाउल ले लिया है। बाउल में डालेंगे दूध, शुगर, इंस्टेंट एक्टिव ईस्ट, इसे एक्टिवेट करने की कोई ज़रूरत नहीं, इसे हमें डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं। अभी इसमें डालेंगे मैदा, नमक। अब इन सारे चीज़ को हाथ से मिला लेते हैं। अभी इसमें थोड़ा थोड़ा गर्म पानी देके इसका एक सॉफ्ट डो बनाएंगे। अगर आप एक्टिव ईस्ट यूज़ कर रहे हैं तो आप दूध में शुगर और ईस्ट डालने के बाद उसे 15 मिनट के लिए रेस्ट होने दीजिए, उसके बाद इसे यूज़ करिए। अभी इसमें थोड़ा सा तेल डालते हैं और इसको चिकना कर लेते हैं। ये डो हमें पहले थोड़ा स्टिकी रहेगा, लेकिन इसको जब 7-8 मिनट हम थोड़ा थोड़ा तेल दे के मसल लेंगे तो ये थोड़ा चिकना हो जाएगा। 7-8 मिनट इसको अच्छे से मसलने के बाद ये चिकना हो गया है। अभी हम इसमें एक क्लीन रैप लगा के या फिर एक ढक्कन लगा के इसे 2 घंटे के लिए एक गर्म जगह पे रेस्ट करने देते हैं। 2 घंटे हो गया है, अभी ये क्लीन रैप हटा लेते हैं। अभी आप ये देख सकते हैं इसका साइज डबल हो गया है। अभी इसमें थोड़ा सा मैदा छिड़क के बोर्ड पे ले आते हैं। बोर्ड पे भी थोड़ा सा मैदा डाल देते हैं, ये डो को रखते हैं। अभी हमें ये डो को ज़्यादा नहीं मसलना है, बस इसे हल्का सा ऐसे 4-5 बार टक कर लेना है। डो को टक हमें अंदर की तरफ ही करना है। अभी हम बोर्ड में इसको रोल कर लेते हैं। ये डो को हमें छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेना है। साइज आप अपने हिसाब से डिसाइड करिए। मैंने इसको 6 पीस में डिवाइड कर लिया है। अभी हम एक एक डो लेंगे और इसको ऐसे ही टक करेंगे। ऐसे हमें 7-8 बार टक कर लेना है। टक हमें अंदर की तरफ ही करना है। ऐसे करके हम एक प्लेट में इसको रख देंगे। ये सेम प्रोसेस में हम सारे डो को ऐसे अंदर की तरफ टक करेंगे और प्लेट पे रखेंगे और इसके ऊपर एक कपड़ा ढक देंगे। ऐसे करने से वो डो सूखेगा नहीं। इसमें से एक डो ऐसे बोर्ड पे ले आएंगे, थोड़ा सा मैदा देंगे और उसको हल्का बेलेंगे। ज़्यादा हमें अभी नहीं बेलना है, बस हल्का सा बेल के इसको प्लेट पे रख देना है। इस सेम प्रोसेस में हम बाकी के डो को ऐसे थोड़ा थोड़ा बेल के प्लेट में रख देंगे और उसके ऊपर कपड़ा ढक देंगे। ऐसे ही हमें इसको 10 मिनट के लिए रेस्ट होने रख देते हैं। 10 मिनट के बाद हम फिर से इसको बेलेंगे। 10 मिनट हो गया है। अभी हम इसमें से एक एक ब्रेड उठाएंगे और बोर्ड पे ले लेंगे। अभी इसको थोड़ा सा हल्का हमें बेलना है। इसका थिकनेस आलू पराठे जितना बनाते हैं वैसे ही रहना है, ना ज़्यादा मोटा ना ज़्यादा पतला रहेगा। इसको थोड़ा सा हल्का हल्का ऐसे बेलना है। ये बेलने के टाइम में हमें मैदा या तेल का यूज़ नहीं करना है। इन प्रोसेस में हम बाकी के ब्रेड को भी बेल के तैयार कर लेना है और प्लेट पे रखना है। ब्रेड को हमें एक दूसरे से चिपकने ना देना है, इसको थोड़ी थोड़ी दूर में ही रखेंगे। ये सारे ब्रेड बन के तैयार हो गई है। अभी हम इसको तावा पे सेक लेते हैं। मैंने यहाँ पे गैस ऑन करके एक तावा गर्म होने रख दिया है। गैस के फ्लेम को हम मीडियम ही रखेंगे। तावा हमारा गर्म हो गया है। अभी हम इसमें एक ब्रेड डालेंगे और 1-2 मिनट के लिए उसे सिकने देते हैं। जब वो थोड़ा सीख जाएगा, ऊपर थोड़ा थोड़ा बबल दिखाई देगा, उसके बाद हम उसको पलट लेंगे। यहाँ पे हल्का हल्का बबल आने लगा है। जब ब्रेड पे चारों तरफ से अच्छे से बबल आ जाए उसके बाद हम इसको पलट लेंगे। अभी इसमें बबल आ गया है, अभी इसको पलट लेते हैं। ये देखिए कैसे गोल्डन ब्राउन हो गया है। अभी हमको दूसरे साइड से भी 1-2 मिनट के लिए सेक लेना है।
जब ये ब्रेड दोनों साइड से गोल्डन ब्राउन हो जाएगा तो वो सिक जाएगा। ये ब्रेड हमारा दोनों साइड से गोल्डन ब्राउन अच्छे से हो गया है। अभी हम इसको बाहर निकाल लेते हैं प्लेट पे। ये प्लेट पे निकालने के बाद इस ब्रेड के ऊपर हमें ऐसे बटर, थोड़ा सा बटर लगा देना है और सेम प्रोसेस में हम बाकी का जो ब्रेड है उसे भी बना लेते हैं। और इसके ऊपर थोड़ा सा धनिया का पत्ता छिटक दीजिए और सर्व करिए। आप ही बनाइए और आपके एक्सपीरियंस मेरे साथ ज़रूर शेयर करें। आपको ये रेसिपी कैसी लगी है नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और कौन सी रेसिपी देखना चाहते हैं ये भी बताइए। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो नीचे दिए गए लाल बटन दबा के सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करिए। मिलते